हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 47.8 का स्टॉक हो चुका है, 4% के आसपास की भारी भरकम डाउन ट्रेंड आज देखने को मिला है, गिरावट हुई है। यहाँ पर बात करें बाजार की तो बाजार का माहौल काफी ठीक ठाक था, मतलब उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, उतना ज्यादा गिरावट में नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम देखने को मिली, बट स्टिल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगातार अपना प्राइस शेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स है, क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोगों का मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को निकाल देना चाहिए। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है, वो इरेशनल है, और उसी के बारे में बात करना चाहिए आज हमें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को क्यों नहीं बेचना है। हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों आपका एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, और क्यों आपको इसे अभी गिरावट में भी खरीदना है या फिर आपको संभाल के रखना है। बात करेंगे कुछ एक पॉइंट की, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो जो एक हाइप बनी हुई थी वो क्वार्टर वन के बाद आती है, इसलिए क्वार्टर वन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्वार्टर वन में 600 करोड़ का लॉस हुआ, और वो लॉस देख करके फिर बार बेचना स्टार्ट किया, लोगों ने डंप करना स्टार्ट किया बाजार में। आज भी आप देखेंगे तो 109 मिलियन शेयर्स हमारे डंप किए गए हैं बाजार में। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें तो क्वार्टर वन में सिचुएशन जो रही है, क्योंकि आप मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 136 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 621 करोड़ का लॉस हमारा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हुआ है। तो इसी लॉस को देखते हुए डंपिंग स्टार्ट हुई थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग बस नेट प्रॉफिट को देख करके कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि यार कंपनी अच्छी है या नहीं अच्छी, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें देखोगे तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर ही देखने को मिलती है, ग्रोथ कर रही है कंपनी। अब रेवेन्यू के केस में देखेंगे, मार्च में रेवेन्यू थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा बढ़ा, 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बढ़ाया है। ये बात आपको नहीं भूलनी है कि ये वही क्वार्टर है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया था, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। सेकेंड वेव आई, लॉकडाउन लगाया गया, सरकारें बंद रही, लोग घरों में बंद रहे, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा ठप पड़ा इस बार भी, उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, पिछले साल की तरह नहीं जहां पर कंपनी ने लॉस करना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी आप देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, बढ़ाया है रेवेन्यू को, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जो कि मार्च क्वार्टर में 183 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 164 करोड़ का प्रॉफिट में दिखाया जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मार्जिन जो कि 4.5% माइनस में था, इस बार 4% पॉजिटिव गया है, तो ग्रोथ यहाँ पर भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट जिस तरह से सिर्फ 600 करोड़ के लॉस को पकड़ के बैठा जा रहा था कि यार 600 करोड़ का लॉस होगा, कंपनी अब रिकवर ही नहीं कर पाएगी, ऐसा दिखाया गया, और यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस हुआ है। बहुत सारे लोगों को रैश डिसीजन लिया, बहुत सारे लोगों ने डंप किया अपना माल, और उसके बाद जो अच्छे इन्वेस्टर थे जो लॉन्ग टर्म के लिए आए थे उन लोगों को भी नुकसान होना स्टार्ट हो गया। ये तो है Q1 की बात। अब लॉस हुआ कि उसके ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो कंपनी अच्छी है, लॉस हुआ है, कोई दो राय नहीं है। क्यों हुआ लॉस? क्योंकि प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा थी, सेकंड वेव आया, प्रोविजंस बहुत ज्यादा बनाए गए, कंपनी तैयार रहती है अगली बार ऐसा कुछ हो तो हम दोबारा से उसको अच्छे से टैकल कर सके, और इसीलिए प्रोविजंस बहुत ज्यादा किए गए। आप जानते हैं कि फर्स्ट वेव रहा, सेकंड वेव रहा, और एनपीए कितना ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी बैंकिंग सिस्टम का, इसी को लेकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ साहब वैद्यनाथन साहब ने अभी पिछले दिनों ही एक अच्छा स्टेटमेंट जारी किया कि कोविड जो है, जो सेकंड वेव का जो लॉकडाउन है उसे खत्म होते ही प्री कोविड लेवल पर एनपीए उनका चला जाएगा। तो कई सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, कई सारे बयान आते हैं, आप देखिए इसकी बात मैं कर रहा था, 3 अगस्त का बयान था इनका, वी आर होपफुल दैट द ग्रोथ इन आवर लोन कलेक्शन विल स्टेबलाइज एंड देयर विल बी लिमिटेड इम्पैक्ट फ्रॉम अ थर्ड वेव, अगर होता है तो थर्ड वेव से बहुत कम इम्पैक्ट आएगा। एनपीए भी कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ प्रोविजनिंग भी हो गई है, अगर थर्ड वेव आता है तो उस समय पर बैंक तैयार है, वहां पर आपको कोई फॉल देखने को नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए आए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो यहाँ पर रुकने की मेरी सलाह आपको रहेगी। कुछ एक चीजें और हैं, आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें Q1 को डिटेल में, जहाँ पर मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अदर बैंक से अच्छा परफॉर्म किया है, अदर इनकम कितनी बढ़ी है, 75% अदर इनकम बढ़ी है कंपनी की, 848 करोड़ रुपए की अदर इनकम की है, 484 करोड़ पिछले साल थी, जो भी गजब की बात है। आप मानेंगे नेट इनकम 5.5% का नेट इन्वेस्ट मार्जिन हो गया है, जो कि 4.5% के आसपास था, 4.86% था ईयर अगो, तो कहीं ना कहीं नेट इन्वेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी 25% बढ़ी है, 2185 करोड़ हो गया है, पिछली बार इनका 1744 करोड़ था, तो 25% के आसपास ये भी बढ़ा है इनका। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि Q1 ठीक ठाक आया है, उतना खराब नहीं है जितना कि लोग उसको दिखा रहे हैं। बाकी अगर हम चीजों की बात करें कि क्यों नहीं बेचना है,
Q1 को लेकर के काफी ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी, वो यहाँ पर बस्ट होते ही गया, Q1 उतना खराब नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में खासा यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में देखिए FII FPN में शेयर होल्डिंग को बढ़ाया 11 से 15% कर दिया, म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डिंग को बढ़ाया जो कि काफी अच्छी बात है। बात करें यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की, तो डिलीवरी परसेंटेज एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा वो लैग कर रहा है। आप देखिए 37% की डिलीवरी आज भी उठाई गई, सॉरी कल भी उठाई गई थी 4 अगस्त को, आज भी लगभग 40% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो खरीदारी यहाँ पर है, चाहे वो FII FPI की तरफ से हो, चाहे म्यूचुअल फंड की तरफ से हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो, बैंकिंग में खरीदारी हो रही है। बट आप देखिए कि बैंक निफ्टी भी बुरी तरह फिसल रहा है, ठीक है, तो उसका असर है यहाँ पर हमारा थोड़ा सा Q1 को गलत तरीके से लिया गया है लोगों की तरफ से, उसका असर है हमारे सामने। चार्ट पैटर्न की बात करें तो काफी टाइम से गिरावट में है और लोग अब बोर हो जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे वो निकलते हैं वैसे वैसे प्राइसेस और गिरना स्टार्ट होते हैं क्योंकि पैनिक सेलिंग आ जाती है फिर वहां पर, और यही एक कारण है, बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक जो है हमारा वो RSI बिलो 30 आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही थी। बात करें बेचना नहीं है, टारगेट दिया है ICICI ने, आप देखिए यहाँ पर ICICI डायरेक्ट ने टारगेट दिया है, बाय IDFC फर्स्ट बैंक का कॉल है, 60 रुपए का टारगेट है इनके सामने, तो अच्छी कॉल्स आना स्टार्ट दोबारा से हुए हैं। मेरी राय रहेगी कि आप बने रहें स्टॉक में, बेचने की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ। इसके बावजूद भी चार्ट पैटर्न में काफी अच्छी चीजें हैं, आप देखिए कि बिलो 30 हमारा RSI जा चुका है, इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इतना भी वीक स्टॉक नहीं है हमारे सामने, और ऐसे में अगर आप इसको खरीदारी करके चलते हैं या होल्ड करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा स्टॉक में बना सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में इतनी ज्यादा गिरावट को कोई विजिबल कारण नहीं देखने को मिलता है, हाइक है 600 करोड़ का लॉस किया कंपनी ने और उसके बाद लोगों को पता नहीं क्या एक्सपेक्टेड था, सेकंड वेव का लॉकडाउन भी था, सेकंड वेव का कोविड भी आया, उसके बावजूद भी लोगों ने पता नहीं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, NIM हमारा बढ़ा है, NIIA बढ़ा है हमारा, उसके बाद भी आप अगर डंप करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर डंप करने जा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। मैगडी की बात करें, मैगडी हमारा अच्छे सिचुएशन में है, इन द सेंस कि यार देखो लोअर एंड पर बना हुआ है, ये खरीदारी करने के चार्ट पैटर्न है, यहाँ समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो। बात करें यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट्स वगैरह की, देखिए सपोर्ट अभी इसका मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से पैनिक सेलिंग बाजार में बनी हुई है उस दौरान यहाँ पर थोड़ा सा आपको सर्टेन नहीं है कि कहाँ पर ये स्टॉक जाकर के रुकेगा, बट स्टिल स्टॉक अच्छा है। बात है स्टॉक में, आप देखिए बैंकिंग सिस्टम में बात है, लोग लगातार FII हो, FPI हो, म्यूचुअल फंड हो, अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, इवन रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी होती जा रही है। ICICI डायरेक्ट की तरफ से कॉल भी आ गया है, 60 रुपए का टारगेट भी है आपके सामने, तो खरीदारी करें या ना करें बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बेचने की गलती ना करें स्टॉक को तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप बेचते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप डंप करने वाले हैं बाजार में। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करना।